सब्सक्राइब करेगी कि वो चैनल को और दबाए बेल आइकन, क्योंकि बेल आइकन न दबाना और सब्सक्राइब न करना बराबर ही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने टेक्निकल यूट्यूब चैनल की गेम वो पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वीएलसी मीडिया प्लेयर से आप कैसे अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले मीडिया पे जाके ओपन कैप्चर डिवाइस में करें, क्लिक करें, वहाँ पे लास्ट ऑप्शन में जाके जो कैप्चरिंग डिवाइस है उसको डेस्कटॉप पे करके, और फिर प्ले वाली बटन जहाँ पे दिख रही है वहाँ कस्टम कन्वर्ट जो कन्वर्ट का ऑप्शन है वहाँ पे जाके अपनी कन्वर्जन सेटिंग्स चेक कर लें कि आपको क्या करना है। जो सोर्स का नाम वगैरह है वो वैसे ही रहने दें, डेस्टिनेशन की आप डेस्टिनेशन बता दें कि कहाँ पे रखना सेव करना चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक नया नाम बना रहा हूँ, साथ ही साथ एक नया फोल्डर भी तैयार करूँगा यहाँ पे VLC एक्सपेरिमेंट के नाम से, जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। और ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करते चलें। यहाँ सेव बटन पे तब तक क्लिक नहीं होगा जब तक आप सेम टू सेम नाम नहीं डालें, तो आपको सेम टू सेम नाम डालना पड़ेगा, ये नहीं होगा कि वो वहाँ से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। या कोई नाम भी डाल सकते हैं आप, वो चेंज हो जाएगा। देख सकते हैं कि पूरा पाथ आ गया है, और स्टार्ट कर दो। देख सकते हैं कि मीडिया प्लेयर चलने लगा है पर स्क्रीन पर कुछ चल नहीं रहा, क्योंकि ये स्क्रीन को ही रिकॉर्ड करने लगेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपनी थोड़ी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए मैंने वीडियो तैयार की है, ये फ्लिपकार्ट को मैंने खोल रखा है। और बस अब आपको अगर वीडियो स्टॉप करनी हो तो या तो यहाँ पे आप पॉज कर दीजिए, VLC मीडिया प्लेयर को क्लोज कर दीजिए। आप उसी फोल्डर में जाइए जिसको आप जहाँ पे आपने इसे सेव किया था, और आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पूरी की पूरी रिकॉर्ड हो चुकी है। तो दैट्स फॉर टुडे गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, और ऐसे ही टेक्निकल और वीडियोज़ के लिए और सॉफ्टवेयर रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।